लेकिन से हेलो गाइस, अभी तेल डाल दिया है गाड़ी में और अभी इसमें हम हैं कौड़ियावा, यहाँ के कुछ दूर पहले ही हैं और अभी यहाँ से राइड शुरू करते हैं। उससे कहते हैं जो स्पीडोमीटर है उसको हम रिसेट कर लेते हैं एक बार कि कितनी राइड अपनी होगी। यहाँ पे भी स्पीडोमीटर में धीरे धीरे कर लिया है। अब जब वापस नौतनवा से आएंगे तो देखते हैं कितना होता है। इससे हम निकलते हैं नौतनवा के लिए। टाइम हो रहा है करीब 8:10, तो अपन को सुबह ही निकलना था कि सुबह में ट्रैफिक ज़्यादा चाहिए नहीं था, इसलिए सुबह निकल रहे हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। हालांकि मतलब कोई दूसरा कैमरा नहीं है तो आपको रिकॉर्डिंग दिखाता। एक सिंगल कैमरा है जो कि मेरे फ़ोन में लगा हुआ है, अब वही फ़ोन में इसमें रख दूँगा। तो नेक्स्ट स्टॉप जहाँ लेंगे वहाँ पर आपको बताएँगे। तो लेट्स गो। सो आई रीच द मानीराम क्रॉसिंग, जस्ट यू कैन रेलवे क्रॉसिंग इज ट्रैफिक एंड आई ब्रेक एंड आई मतलब पहुंच गया हूँ करीब करीब 5 किलोमीटर, करीब करीब 5 किलोमीटर आ गया हूँ मानीराम की तरफ। क्रॉसिंग की वजह से यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ गया है। तो मैं अपनी गाड़ी का कुछ चेकिंग भी कर लिया हूँ, लगभग लगभग टायर वगैरह, इंजन कंडीशन वगैरह कि क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। क्रॉसिंग निकलते हैं, आप निकलेंगे। यह मानीराम क्रॉसिंग है आगे, जस्ट इसके आगे यहाँ पे इस साइड आगे की तरफ यहाँ रेलवे स्टेशन पड़ता है। और कुछ दूर पर हम करंट क्रॉसिंग से अब आगे 2 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग आएगा, रेलवे स्टेशन मानीराम का। सॉरी माफी, साफ साफ बोल नहीं पा रहा, ये आदमी देखने लगा था उनको क्या बोल कर दिया क्या आगे से। यहाँ एस की मोटर गैराज है पीछे जहाँ हम काम करते हैं। हालांकि अभी गैराज बंद है, अभी सुबह का समय है और इस समय मेरे ख्याल से वहाँ से निकलेंगे 8:10 होता है, इस समय 8:25, 8:25। ट्रैफिक काफ़ी लंबी लगा नहीं होगी लेकिन ट्रक वगैरह खड़े हो गए हैं तो उनको आगे निकलना होगा। बोस, तो गाइस आई हैव रीच फरिंदा इन कितना टाइम हो रहा था, 9:10, ऑलमोस्ट 1 घंटा है। फिर उससे कम में भी हम आए थे क्योंकि हमको 20 मिनट रुकना पड़ गया था पेट्रोल के लिए, लेकिन फिर भी देखा तो 1 घंटे में हम पहुँच गए हैं, 1 घंटे के अंदर पहुँच गया है फरिंदा। अब यहाँ से निकलते हैं सिद्धार्थ नगर यानी कि सोनौली के लिए, जो कि 30 रोड से होकर जाएगा। ये जो रोड गया है तो ऐसे मुड़ कैसे जाएगा, तो निकलते हैं। एज यू कैन सी दैट गाइस, सोनौली अभी 9 किलोमीटर है और नौतनवा जो है 1.5 किलोमीटर यहाँ से अभी आ गया है। और मेरी गाड़ी कम से कम चल चुकी है 80 किलोमीटर ऑलमोस्ट एकदम, और टाइम हो रहा है अभी मेरे पास कितना 10:10, ऑलमोस्ट 2 घंटा हो गया है। और हाल में काफ़ी अकड़ गया है लेकिन मौसम तो खैर बहुत बढ़िया है माशाल्लाह। मौसम इतनी गजब का है कि मतलब समझो आज का दिन बहुत अच्छा गया मेरे लिए। चलो चलते हैं तब आगे। एज आई कैन सी इन दैट, गोरखपुर 90 किलोमीटर, वाराणसी 1311 और लखनऊ 3। ये अब सुनौली मेन रोड में है, यहाँ पे ट्रक से उसका रिपेयरिंग काम हो रहा है, ट्रक लेकर आ रहा है।
इसमें 6 किलोमीटर। अब टाइम बज रहा है कितना अभी, 9:10 बजने वाला, 11 बजने में, 15 मिनट बाकी है। अच्छा, लॉन्ग टाइम सनौली बॉर्डर से करीब हम आ गए हैं, आगे 15 किलोमीटर आगे सनौली बॉर्डर से। टाइम हो रहा है 11:10। बहुत बढ़िया, लेट्स गो टू बाइक, चलते हैं दोस्त। अब ज़्यादा स्टॉपेज करना सही नहीं है क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया है, इसका मतलब रहना चाहिए। अगर मौसम ख़राब हो गया तो प्रॉब्लम करेगा, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया है तो अच्छा है कि गुड स्पीड अच्छा मेंटेन किया जाए। नमस्ते, सो गाड़ी सो हॉट, बहुत गर्म हो गया है भाई गाड़ी। सो गाइस, आई विल रीच ऑन द मामीराम, गोरखपुर मामीराम। कितना बज रहा है भाई, 12:50 पे हम पहुंच गए हैं, और इस समय 12:52 हो रहे हैं। हम 2-3 मिनट पहले पहुंच गए थे यहाँ पर। गाड़ी बहुत गर्म हो चुकी है, लेकिन सब कुछ ठीक है, गाड़ी